Assalamualaikum students, आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसको स्टार्ट लेते हैं। तो 2.4 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। अच्छा जी, 2.4 ये वैल्यू दी हुई है 2x की पावर 5, y की पावर -4, मल्टीप्लाई हो रहा है -8 इनटू x की पावर -3 और y की पावर 2 से। तो इन दोनों नंबर्स को हमें प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का के फॉर्म में मौजूद है। तो 2 और -8 को एक साथ सेपरेट करके मेंशन कर दिया, सिर्फ फर्स्ट टाइम में ब्रैकेट हटाए गए हैं। माइनस का साइन स्टार्ट में आ गया है, x की पावर 5 सेम एज इट इज, y की पावर -4 ये एंड में लिख दी, ठीक है। x की पावर -3 उसके साथ, यानी x और x एक साथ लिख दिए गए, y और y की वैल्यूज एक साथ लिख दी गई है, -4 और y की पावर वहां पर +2 थी। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम में 8 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 16, माइनस का साइन सेम एज इट इज आएगा, x की पावर 5 -3। तो 5 -3 को मेंशन कर दिया, y के ऊपर -4 +2 पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, बिल्कुल सेम x के साथ भी यही हुआ है, y के साथ भी यही प्रोसेस हुआ है, बेस सेम पावर ऐड। 5 -3 -4 +2, तो 5 -3 से प्लस का 2 आ गया, -4 + 2 से -2 आता है, बड़े नंबर का साइन लगाया जाएगा, -16 सेम एज इट इज। और इसमें आप देख सकते हैं इस स्टेप में कि जिस वैल्यू की पावर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, यानी ऊपर से नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो y की पावर -2 थी, उसको नीचे शिफ्ट कर दिया तो उसकी पावर +2 हो गई, -16x² अप ऑन y की पावर +2, ये y² यानी ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। 3 क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू मेंशन है, x की पावर -2 है, y की पावर -1 है, z -4, नीचे x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0। याद रखिएगा जब भी किसी फ्रॉम की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए मैंने नेक्स्ट टाइम में z की पावर 0 की जगह 1 मेंशन करते हुए z को खत्म कर दिया, ठीक है जी। तो z की पावर 0 हम मेंशन ही नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम में, और मेंशन यहां पर कर देंगे सिंपली ये कि एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। तो जब पावर इस नंबर की 0 होगी तो 1 के इक्वल हो जाएगा, और -3 होल पावर है तो उसे मेंशन कर दिया गया। अब ये करा है कि पहले जो ऊपर वाली वैल्यूज थी उसको सेम ऐसे लिखा है, x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4, ठीक है। नीचे वाली वैल्यूज ऊपर शिफ्ट होंगी, x और y शिफ्ट होंगे, z भी हो सकता है, लेकिन z की पावर 0 से 1 कर दिया गया है। x की पावर -4 हो जाएगी +4 से, y की पावर -3 से +3 हो जाएगी, ठीक है। अब x और x की पावर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं, तो x की पावर -2 है, वहां x की पावर -4 है, तो -2 + -4 करेंगे तो वैसे ही माइनस लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, -2 - -4 आप समझ लें। y की पावर -1 और उसके साथ y की पावर +3 मेंशन कर दी, ठीक है जी। z की पावर -4 ही थी तो उसको ही मेंशन कर रहा है, होल पावर में -3 पावर है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम में -2 - -6 से -4 से -6 आता है, ठीक है। तो -6 आ गया, 3 में से 1 माइनस हुआ तो रिमेनिंग 2 बच गया, और -4 सेम एज इट इज आ गया, होल पावर -3 मेंशन है। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम में देखिए -6, ये -3 पावर तमाम पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी तमाम वेरिएबल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उनकी पावर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। -6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को भी -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो रहा है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है। 6 3 = 18, माइनस प्लस माइनस, 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12। तो हमारे पास फाइनल वैल्यूज ये आ गई हैं। इसमें y की पावर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, y को नीचे शिफ्ट करेंगे और उसकी पावर +6 हो जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, x की पावर 18, z की पावर 12 अप ऑन y की पावर 6। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में